तो हाँ दोस्तों, क्या आपका बजट 13,000 से लेकर 14,000 के आसपास है और आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर में अपने लिए कोई सा बेस्ट और परफेक्ट 5G फोन बाय करने की सोच रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए टॉप 5 बेस्ट 5G फोन शॉर्ट लिस्ट किए जिन्हें आप 14,000 के अंदर में बाय कर पाओगे। जहाँ पे आपको गेमिंग के लिए पावरफुल 5G चिपसेट मिलने वाला है और 120 हर्ट्ज वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिलने वाला है और 108 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा भी मिलने वाला है और उसके अलावा 8GB की रैम और 6000 मिली एम्पेयर की पिक बैटरी भी मिलने वाली है और अंदर भी काफी सारे कमाल के अच्छे स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और पांचवे नंबर पे आता है Realme Narzo 70X 5G। तो देखो, यदि आपका बजट 11,000-12,000 के आसपास है और आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर Realme का कोई लेटेस्ट और बेस्ट फोन लेने की सोच रहे हो तो ये फोन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है और इसमें आपको 6.72 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 240 हर्ट्ज का TSR और 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और वैसे तो ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना तो है बट दिखने में ये फोन काफी अमेजिंग और स्टाइलिश लगता है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा और ये फोन 45 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे आए तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 6100 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 9 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 4 लाख के आसपास इसका एंटीटू स्कोर कर जाता है और ये चिपसेट 6nm पे बेस है और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पे रन करता है जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है और इसमें आपको IP54 की रेटिंग और वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया गया है। और इसके कैमरा पे है तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ सेंसर दिया गया है और सेंटर पंच होल में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो, रियली में इसका डेप्थ कैमरा तो किसी काम का नहीं है बट आप इसके मेन कैमरा और इसके सेल्फी से दिन के समय ठीक ठाक पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरे से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 4128 का प्राइस 12,000 पड़ता है और इसके 6128 का प्राइस 13,000 पड़ता है। और यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को अमेजोन से बाय कर सकते हो। तो हाँ, चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर पे आता है Vivo T3X 5G। और देखो, ये भी फोन रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है और देखो ये फोन अपने प्राइसिंग पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है और उसके अलावा इसमें आपको डिजाइन, डिस्प्ले और कैमरा भी काफी अच्छा दिया गया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.72 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और बाकी इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है। और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी स्टाइलिश लगता है और मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा और यह फोन 44 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Snapdragon 6 Gen 1 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 8 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 5,60,000 के आसपास इसका एंटीटू स्कोर कर जाता है और ये चिपसेट 14nm पे बेस है। तो देखो, 13,000-14,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में आप इस प्रोसेसर को सबसे तगड़ा चिपसेट मान सकते हो जिसके ऊपर आप किसी भी गेम को मीडियम टू हाई सेटिंग के ऊपर बड़े आराम से रन कर पाओगे और इसमें आपको IP64 की रेटिंग भी दी गई है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ सेंसर दिया गया है और सेंटर पंच होल में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो, इसका कैमरा काफी अच्छा काम करता है और वैसे भी Vivo के स्मार्टफोन के कैमरा काफी अच्छे होते हैं और आप इसके बैक कैमरा से 4K 30fps पे और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 4128 का प्राइस 13,500 पड़ता है और यदि आपको 13,000-14,000 के अंदर में कोई Vivo का लेटेस्ट फोन
फ़ोन बाय करना है तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली बात करते हैं और थर्ड नंबर पे आता है पोको X6 न्यू 5G। और यदि आपको 14-15 हज़ार के अंदर में एक ऐसा फ़ोन लेना है जिसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ 8 GB की रैम और 108 MP का मेन कैमरा मिल जाए तो आप इस फ़ोन को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। और इसमें आपको 6.6 इंचेस की FHD+ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट। और उसके अलावा 1000 nits की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और बाकी इसमें आपको G5 की प्रोटेक्शन और डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और मुझे इसका डिस्प्ले रियली में काफी अमेजिंग लगा और आपको इसका डिजाइन भी काफी पसंद आने वाला है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 6080 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के साथ बैंड्स को सपोर्ट करता है और 4,40,000 के आसपास इसका एंटूटू स्कोर कर जाता है। और ये प्रोसेसर 6nm पे बेस है और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये डिवाइस एंड्रॉयड 13 पे रन करता है जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसमें आपको IP54 की रेटिंग भी दी गई है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है और ये फोन 33 वाट की फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है जो इस डिवाइस को ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट के अंदर में फुल चार्ज भी कर देगा। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया 108 MP का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.75 और आप इससे मैक्सिमम 3x तक जूम भी कर पाओगे। और सेकंड कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है जो टोटली अनयूजेबल है। और आगे की तरफ आपको पंच होल में 16 MP की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और इसमें आपको ब्यूटी मोड, नाइट मोड, HDR, स्लो मोशन, पैनोरामा जैसे अच्छे यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरे से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8128 का प्राइस वैसे तो 15,000 पड़ता है, बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 14,000 के अंदर में बाय कर पाओगे। और ये फोन आपको 14,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। और यदि आप चाहे तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मैंने सैमसंग लवर्स के लिए सेकंड नंबर पे रखा है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। और देखो वैसे तो इसका प्राइस 16-17 हज़ार के आसपास पड़ता है, बट अभी के समय फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग सेविंग डेज सेल स्टार्ट है, बट अभी के समय आप इस डिवाइस को सिर्फ 13,000 पे बाय कर पाओगे बिना किसी बैंक ऑफर अप्लाई किए। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD+ यूनच वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट। और उसके अलावा 1000 nits की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसमें आपको G5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और देखो ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है और ये फोन दिखने में काफी सिंपल और एलिगेंट लगता है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 6000 mAh की बिग बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फोन 25 वाट के टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट तो करता है, बट बॉक्स में आपको एडाप्टर नहीं दिया गया है, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और इसके प्रोसेसर पे तो इसमें आपको सैमसंग का खुद का अपना चिपसेट एक्जोनोस 1280 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 10 बैंड्स को सपोर्ट करता है। और एक बात जो मैं आपको पहले बता दूं, ये कोई गेमिंग प्रोसेसर नहीं है और 5 लाख के आसपास इसका एंटूटू स्कोर कर जाता है। और ये प्रोसेसर ओनली 5nm पे बेस है और ये डिवाइस एंड्रॉयड 13 पे रन करता है जहाँ पे आपको 4 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा की बात करें तो इसके पैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया 50 MP का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और आप इससे 4K 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। और आगे की तरफ आपको यूनोच पे 13 MP की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और देखो इसका कैमरा आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा जिससे आप काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ कमाल के पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे। तो देखो यदि आपका बजट 13-14 हज़ार के आसपास है और आपको एक सैमसंग का बेस्ट फोन बाय करना है तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट नहीं तो अमेजोन से बाय कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं और फर्स्ट नंबर पे आता है मोटो G64 5G। और देखो ये मोटो का काफी अच्छा और लेटेस्ट स्मार्टफोन है जो अपने प्राइसिंग पे बेस्ट स्पेसिफिकेशन और टॉप नॉच के यूजर एक्सपीरियंस के साथ आता है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट। और उसके अलावा 560 nits की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी
दिया गया है। और देखो इसमें आपको IPS डिस्प्ले दी तो गई है, बट इसके डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मल्टीमीडिया को लंबी देर तक इंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6000 मिली एम्पायर की बिग बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फ़ोन 33 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है और इसके प्रोसेसर 35 में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 का 5G चिपसेट दिया गया है, जो 5G के 14 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 5 लाख के आसपास इसका एंथुथ स्कोर कर जाता है। एंड दिस प्रोसेसर इज बेस्ड ऑन 6 नैनोमीटर। और आप इसके ऊपर पबजी को 40-50 FPS पे मीडियम सेटिंग के ऊपर बड़े आराम से रन कर पाओगे। और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 1 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे है तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8, और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और सेकेंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। और आगे की तरफ आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो इसका कैमरा एवरेज काम करता है और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरे से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8128 का प्राइस 14000 पड़ता है और इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज का प्राइस 16000 पड़ता है। और यदि आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो।